गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक नए प्रोडक्ट के साथ में आज हमने एक नया प्रोडक्ट दोबारा से मंगाया है, आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। एकदम रियल और जेन्युइन रिव्यूज़ दूंगा, क्योंकि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियोस नहीं है, ये मेरे खुद मैं अपने प्रोडक्ट अपने लिए मंगाता हूँ, जिसके बाद इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आप लोगों के लिए करता हूँ कि आप लोग उस प्रोडक्ट को लें या ना लें, डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के बाद, यूज़ करने के बाद। तो आज एक नया वीडियो, ये मैंने मंगाया है, ये अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाया है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पर उसके साथ साथ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग देख तो बहुत रहे हैं बट वीडियो को कोई ना लाइक करता है ना सब्सक्राइब करता है। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से, कमेंट से, मैसेज से मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है, जिससे मैं नए नए वीडियोज़ और बनाता हूँ। और आपके अगर आपको कोई और ऐसा फ़ोन या समथिंग कुछ भी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं उस प्रोडक्ट को मंगा के उसका एकदम जेन्युइन व्यूज़ जो होंगे आपके सामने लेकर आऊँगा। तो इसको खोलते हुए, पैकेजिंग तो अच्छी होती है, अमेजोन की ठीक पैकेजिंग होती है, क्योंकि ये मैंने देखा है ये FBA के थ्रू आता है। तो इसको हम ओपन करते हैं काफ़ी मुसीबत के साथ में, बस खुलने वाला है। अपने पास खोलने के लिए कुछ नहीं है तो चिमटी का सहारा लेते हैं, खोल रहे हैं हम। तो ये ओपन हो गया। तो आज आपके लिए पेश है Redmi Note 9 फोन। इसको हम साइड कर देते हैं। ये इसके साथ में एक बिल आया है, जो ये फ़ोन पड़ा है वो पड़ा है करीब 11,500 रुपये का, विद डिस्काउंट के साथ में 11,500 रुपये का ये फ़ोन पड़ा है। इसको साइड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये फ़ोन है, सबसे पहले हम फ़ोन के बारे में आपको बताते हैं। ये फ़ोन है Redmi Note 9 और नंबर वन, मैंने जैसा आपको बताया हर फ़ोन के आगे लिखा होता है नंबर वन। वेरिएंट है इसका 4GB रैम और 64GB रोम। MI का ब्रांड है, 48 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा दिया हुआ है। Redmi Note 9 है, सील लगी हुई है, हमेशा चेक करें सील लगी हो फ़ोन में, दोनों साइड सील लगी हुई है। यहाँ चेक करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन क्या है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। प्रोसेसर की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस Helio G85 है, गेमिंग फ़ोन है ये। और स्क्रीन की बात करें, फुल डिस्प्ले है, डॉट डिस्प्ले है, मतलब इसमें एक छोटा सा डॉट होगा जस्ट लाइक एज अ कैमरे की तरह। बैटरी की बात करें तो 5020 mAh की बैटरी अच्छी है और चार्जिंग जो है इसकी 22.5 वाट का चार्जिंग अडप्टर दिया हुआ है जो अच्छा है। चार कैमरे हैं, 48 मेगापिक्सल, 8 का 2 का और 2 का, हाई रेजोल्यूशन दे रखा है एंड अल्ट्रा वाइड रेंज का है जो, और डेप्थ है और एक स्प्लैश प्रूफ है, मतलब छोटा मोटा जो इसमें पानी वगैरह गिर जाता है तो उससे कुछ नहीं होता फ़ोन में। 12 वोल्ट ही सपोर्ट करता है, दोनों सपोर्ट करेगा, 9 वोल्ट का है, अप टू 9 वोल्ट तक ले। रिवर्स चार्जिंग है, TUV रीहेलेंट फ्लो लो चलती है, लो लाइट सर्टिफिकेशन है आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइप सी इसका कनेक्टर है और पेवेबल ग्रे कलर का है। इसमें जो होते हैं 3-4 वेरिएंट आते हैं, एक आता है ग्रीन कलर आता है, रेड कलर आता है, ग्रे कलर आता है, ब्लैक कलर आता है, बट ये जो मैंने वेरिएंट मंगाया ये है ग्रे कलर में मंगाया है, 4GB 64GB के साथ है। बाकी 4/128 भी आता है और 6/128 भी आता है। उसके बाद यहाँ पर इस कुछ स्टिकर लगा हुआ है जो उसका है, बाकी मेड इन इंडिया लिखा होता है और यहाँ पर Redmi Note 9 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर इसकी रियल वैल्यू बताएं तो ग्रे कलर 4/64 में दिया हुआ है। प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट मॉडल है, Redmi कंपनी का है, क्या क्या इसके साथ है, मोबाइल फ़ोन है, अडप्टर है, USB केबल है, सिम इजेक्ट टूल है, वारंटी कार्ड है और सॉफ्ट केस भी है इसके साथ में, केस भी दिया हुआ है। और अगर इसकी रियल की प्राइस वैल्यू बात की जाए तो पूरे 15,000 रुपये का है, तो डिस्काउंट के साथ में मुझे कितने का मिला है, 11,500 का। तो इसको हम ओपन करते हैं, सबसे पहले इसकी हम सीम ओपन करते हैं प्यार से। सील खोलते हुए फोन का बाहर करते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल जब डब्बा खोला तो कुछ नहीं मिला इसके अंदर। फिर हमने आगे इसको खोला, एक बॉक्स निकला, एक फोन निकला। फोन के नीचे और देखते हैं, एक यूएसबी केबल है जो टाइप सी की बनी हुई है। क्वालिटी मीडियम है, ज़्यादा खास नहीं है बट मीडियम क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है। अडप्टर अडप्टर दिया हुआ है, 18 वाट का एमआई का अडप्टर दिया हुआ है। इसमें इसके यहाँ पर एमआई की टैगिंग हुई हुई है और वही 5 वोल्ट में दिया होता है, 5 वोल्ट में। और 9 वोल्ट का इसका है, 3 वोल्ट का एम्पियर 18 वोल्ट में बना हुआ है। तो और डब्बे के अंदर कुछ नहीं है, ये रखते हैं, ये रखते हैं। नेक्स्ट हम खोलते हैं इस बॉक्स के अंदर इन्होंने क्या प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस बॉक्स को जैसे हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें इजेक्ट पिन मिलती है, इजेक्ट पिन मिलती है जो बहुत ही सिंपल सोवर बनाई हुई है सर्कल के साथ में, के साथ में ही कर देते हैं। और ओपन करते के साथ हमें एक इसका सॉफ्ट केस मिलता है जो आजकल फ़ोनों में नहीं आ रहा बट इस फ़ोन के साथ में प्रोवाइड किया गया है। इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, इसकी क्वालिटी सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट दिया हुआ है रबर में, पर हाँ सही है, हम ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे बट सही है, क्योंकि आजकल फ़ोनों के साथ तो कवर मिल ही नहीं रहे हैं बट इस फ़ोनों ने दिया है। लेकिन क्वालिटी बहुत बेकार भी नहीं और ज़्यादा खास भी नहीं, नॉर्मल ही है और बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं फ़ोन के पास, फ़ोन को ओपन करते हैं, फ़ोन ही ओपन हो जाता है। बैक साइड से काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, ग्रे और ब्लू शेड का इसका लुक है। कैमरे 4 कैमरे दे रखे हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। और फ्रंट की बात करें यहाँ पर कैमरा दिया हुआ है और बाकी यहाँ पर इसके बटन दिए हैं, ऑन ऑफ का बटन ये नीचे वाला है और वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन है। ऊपर इसमें ग्रे ब्लू कलर की इन्होंने साइड की कोटिंग दी हुई है। एंड यहाँ पर इसका आईआर सेंसर है और एक माइक यहाँ दिया हुआ है, नीचे टाइप सी दिया है, वॉल्यूम का ये दिया, स्पीकर दिए हुए हैं और यहाँ पर ऑक्स केबल दी हुई है। यहाँ इजेक्ट टूल है, इजेक्ट इनकी ट्रे यहाँ पर सिम डलेगी। तो इसको हम ओपन करते हैं, बस ये ओपन होते ही मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में दिखाता हूँ, इसके जो हमने डब्बे पे पढ़े हैं अंदर क्या क्या इसके फीचर्स दिए हुए हैं। ये ओपन हो गया है, इसको हम आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश हुआ है आगे बढ़ते हैं, इंडिया हुआ है आगे बढ़ते हैं। ये रीजन को सेलेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सिम पूछ रहा है बट सिम के लिए हम बाद में बात करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। वाईफाई के बारे में हम इसको स्किप करेंगे, मोड़ करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर स्किप करते हैं, सब स्किप करते हुए एग्री करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये सेटअप इसका कंप्लीट हो चुका है, कुछ सेकंड में ये ओपन हो जाएगा। लोडिंग ऐप्स जो इसके प्रीवियस में ऐप डल कर आए हैं उसको ये लोड कर रहा है। बस जैसे ही ओपन हो जाता है इसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ।
आज का क्वेश्चन ऑफ डे ये था कि रेडमी नोट 9 का में जो प्रोसेसर आ रहा है, गेमिंग प्रोसेसर, वो कौन सा प्रोसेसर आ रहा है। कमेंट करके बताइएगा, सही विनर को जो एकदम एक्यूरेट आंसर देगा उसको गिव अवे दिया जाएगा। गिव अवे में है फ़ोन, एप्पल का 9 फ़ोन, 9 सीरीज़ का फ़ोन गिफ्ट किया जाएगा। तो ये ओपन हो चुका है, तो ये अब इसको हम आगे बढ़ के इसकी सेटिंग में जाके इसको चेक करते हैं कि जो बॉक्स पे पड़ा था वो रियल में अंदर है नहीं है। अबाउट फ़ोन में जाते हैं तो अबाउट फ़ोन में हमें क्या मिलता है, 64 GB इसकी स्पेस है और जो भी स्टेज है। रेडमी नोट 9 इसका फ़ोन है, हॉल स्पेसिफिकेशन में जाएंगे और 4 GB इसकी रैम है। तो यही हमारा फ़ोन था, बाकी इसको मैं यूज़ करता हूँ 2-3 दिन और देन गिव अवे में ये फ़ोन दिया, गिव अवे में जो मैंने आपको फ़ोन बताया वो दिया जाएगा। बट उसके लिए आप करेक्ट आंसर देना पड़ेगा और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।